मुझे जानने के लिए सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। सो गाइज, मैं ब्राउनी बना रही थी, आटा ब्राउनी, और एक्चुअली मेरे से गलती हो गई कि मैंने नीचे फॉइल नहीं लगाया और ना ही ग्रीस करा, जिस करके ये बाहर नहीं आ रही थी और मेरी वीडियो हाफ वे ही रुक गई, और या फिर सारी आधी अधूरी टूट गई और ऐसे फिर मैंने सारा क्रम्बल किया। और अब सोचा कि इसको वेस्ट तो नहीं करूँगी, तो क्यों ना केक पॉप्स इसके बनाए जाएँ। तो इसके लिए गाइज फिर मैंने क्या किया, 3 टेबलस्पून जो मैंने क्रीम डाली। अब अगर आपके पास क्रीम नहीं है, आप न्यूटेला भी डाल सकते हैं या पीनट बटर डाल सकते हैं, कुछ भी बाइंडिंग एजेंट चाहिए जिससे ये हमने आटा बेसिकली गूंदना है। तो फिर मैंने 3 टेबलस्पून डाला और देखा कि इसका डो रेडी करा जाए, तो हाथ से ही मसल के। तो ये डिपेंड करेगा अब आपका कितनी रिक्वायर्ड होती है वो अमाउंट। तो ये देखिए, काफ़ी तो बन गया था डो, बट अभी भी प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने 1 टेबलस्पून फिर और ऐड करा, मतलब 4 टेबलस्पून मेरी क्रीम डल गई। सो ज़रूरी नहीं है गाइज अब आप इसमें क्रीम ही डालिए, मैंने जैसे बताया आप न्यूटेला भी ऐड कर सकते हैं या कोई दिस पीनट बटर हो गया या ऐसा कुछ भी एजेंट जो बेसिकली बाइंड करे। तो गनाश भी ऐड कर सकते हैं, या जो आपके पास गनाश आप बनाते हैं क्रीम और चॉकलेट की। सो ऐसे मैंने इसका आटा गूंद लिया, तो वेस्ट तो ऑब्वियसली नहीं होने देना था, इतना टेस्टी मटेरियल था गाइज ये आटे का, हेल्दी भी, और रोस्टेड नट्स, चॉको चिप्स सब कुछ डला हुआ था। इसकी अगर आप रेसिपी चाहते हैं ना, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी आटा ब्राउनी की, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। तो बस थोड़ा सा इसमें मैंने लिया 1 टीस्पून के अराउंड, और लेमन साइज मैंने बॉल्स बनानी इसकी स्टार्ट कर दी। तो देखिए कि कितनी परफेक्ट राउंड शेप बॉल्स ये बन रही थी। तो ऐसे ही आपने सारे मटेरियल का बना देना है। तो राउंड अबाउट मेरी 16-18 बन गई थी, तो ये मेरा रेडी था सारा पोर्शन से। तो अब एडिबल स्प्रिंकल्स होते हैं, कुछ भी डेकोरेशन के लिए आप ले सकते हैं, तो मेरे घर में ये पड़ी हुई थी स्प्रिंकल्स बॉल्स और वो दूसरा, तो इसको आपने लिया। और 4-5 डिज़ाइन बताऊंगी, तो स्टार्टिंग का जो सबसे इजी है, सबसे बेसिक है, वो ये है कि बॉल्स को आप डिप कर दीजिए स्प्रिंकल्स में और बस स्टिक हो जाएंगे वो अपने आप ही। तो ऐसे 4 बॉल्स मैंने इस स्प्रिंकल के साथ कर दिए और बाकी दूसरे के साथ। सो गाइज ये बहुत अट्रैक्टिव बनता है, लेफ्ट ओवर केक या केक टूट जाए या बच जाए तो आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, उसको फेंकिए मत। और बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और बहुत लाइक करते हैं ये चीज़ को, बहुत कलरफुल बनती है। तो बाकी के लिए मैंने क्या किया, वाइट चॉकलेट को थोड़ा मेल्ट कराया। अगर आपके पास कंपाउंड नहीं है तो आप मिल्की बार चॉकलेट जो है वो भी ले सकते हैं। तो 30-30 सेकेंड से आपने वाइट चॉकलेट मेल्ट करनी है माइक्रोवेव में, नहीं तो बर्न हो सकती है। सो 30 सेकेंड्स पहले दिए थे, 30 सेकेंड्स फिर दिए, स्पैचुला से मैश करते रहिए और ऐसे आपकी मेल्ट हो जाएगी। फोक की मदद से बॉल को डिप करें और फोक की मदद से आपने ऐसे बॉल को उठा लेना है और ट्रे में प्लेस कर दीजिए। तो ऐसे ही ऊपर जो स्प्रिंकल्स हैं वो आप लगा सकते हैं या डार्क चॉकलेट स्पून के साथ ऐसे लाइंस डेकोरेट कर सकते हैं। सब कुछ भी अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तो बॉल्स के साथ था, और आगे मैं आपको स्टिक्स में भी बताऊंगी कि वो कैसे, आपने एक ट्रिक है और एक टिप भी कह लो है आपके लिए, जो आप अगर यूज़ करेंगे तभी वो स्टिक्स आपकी सक्सेसफुल बनेगी। एंड यहाँ गाइज ये जो चॉकलेट्स हैं इनको बटर पेपर पे कोशिश करें रखें, ऐसे डायरेक्टली मत रखिएगा, जब फ्रिज में रखोगे तो वो ट्रे के साथ ही जम जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ये देखो ये जो लॉलीपॉप है ये मैंने बनाया था स्टिक के साथ, उसको अब क्या करना है, नहीं तो आप ऐसे ये चीज़ नहीं करेंगे ना तो आपका फ्री अंदर रोटेट होगा। तो मैंने क्या करा, लॉलीपॉप स्टिक को पहले वाइट चॉकलेट में डिप करके और फिर उसके अंदर इंसर्ट किया केक पॉप में, ऐसे ही पहले मैंने सारे लगाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं करोगे डायरेक्टली ऐसे डाल दोगे तो वो बॉल फ्री हो जाएगा और वो ऐसे घूमता रहेगा। अब इसको आपने फ्रिज में रखना है जब तक ये जो चॉकलेट है जम जाती है। तो ये देखिए अब जम गई है, तो स्टिक अब जैसे मर्जी आप घुमाइए तो ईज़िली आप होल्ड कर सकते हैं। ये स्टेप करेंगे तो सही रहेगा, अदरवाइज़ जो लॉलीपॉप स्टिक है वो टिकेगी नहीं केक पॉप्स में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो ये थी आपकी टिप जो मैं आपको बताना चाहती थी। तो ऊपर आपने ऐसे ही स्प्रिंकल्स डेकोरेट कर दिए और ये जो लॉलीपॉप काइंड ऑफ जो केक पॉप्स है वो आपके रेडी है। इस तरह से आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने वाइट चॉकलेट मेल्ट करनी है, आप डार्क चॉकलेट कर सकते हैं, मिल्क चॉकलेट कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट एन आइडिया, तो मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसके साथ आपको दिखाया है। तो ऐसे आप इसको सारा एक्सेस को टैप करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये देखिए डिप करने के बाद एक्सेस जितना है ऐसे ही रखिए, 5 मिनट जितना टैप हो जाएगा उसके बाद आप किसी ग्लास में इसको प्लेस कर दीजिए, नहीं तो वो गिरता रहेगा। या तो गाइज इसको ग्लास में रख सकते हैं लॉलीपॉप्स को टिका कर, या फिर आप क्या करें, थर्मोकोल अगर है उस पर ये स्टिक को ऐसे इंसर्ट कर दीजिए और फिर फ्रिज में रखिए, वो भी बहुत ईजिली फिर सेट हो जाएगा।
सो नेक्स्ट मैंने करा कोको पाउडर से अनस्वीटन्ड, तो आप स्वीटन्ड भी ले सकते हैं। सो मैंने उसमें ऐसे बॉल को डिप करा और एक्सेस टैप कर दिया और प्लेस कर दिया ट्रे पे ही। सो ये एज यू कैन सी ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर ला रहा था, मैंने तो अनस्वीटन्ड लिया था, तो आप जैसा मर्जी ले सकते हैं। सो इस वे में मैंने केक पॉप्स गाइस रेडी करे थे। तो ये सारे थी डिज़ाइंस पैटर्न्स जो मैंने आपको बताए हैं। सो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, स्पेशल भी आप बच्चों के लिए बना सकते हैं केक बनाकर और उसी को ऐसे क्रम्पल करके पॉप्स बनाएं। सो ट्राई करें और मेरे साथ पिक्चर्स शेयर करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे मेरे गिगल्स बाय मीनाक्षी के नाम से अकाउंट है, और या अगर आपको पसंद आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। आई डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरीज। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय। और गाइज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल आप मेरे साथ पिक्चर्स जो शेयर कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, और मैं अपनी स्टोरीज में भी पोस्ट करती हूँ, आई रियली लव दैम। सो या कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।